आइयो पर आइयो पर आइयो। बालापुर डिवीजन का बालापुर चौरस्ते का इमाम हूँ मस्जिद में। मैं साहब को कहूंगा कि थोड़ा एक 5 मिनट आइए, 500 लोग रहते हैं, मैं फुल कॉपरेट कर रहा हूँ बैंक्वेट वगैरह खामोशी से। मैं साहब के ताल्लुक से तकरीबन 2-3 मरतबा आया, बहुत कम टाइम है, बहुत कम समय है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस की लहर है, लहर नहीं सुनामी चल रही है मेरे भाई। याद रखिए 30 नवंबर को जो फैसले आने वाला है, अन्ना हमारे बहुत परेशान है, अन्ना से मतलब समझ गए होंगे, बहुत धोखा दिए। और मामू भांजे का रिश्ता है, ना मामू का सुन रहा है ना भांजे का सुन रहा है, लोग मालूम है दोनों फेकू एक साथ मिल गए। 30 नवंबर को जो फैसला आने वाला है, आवाम के फैसले का दिन है। हमने 4000 दिन दिए उनको, 5 साल में 1800 दिन होते हैं, 18 दिनों 36, 4000 दिन दिए हमने। देखा उन्होंने कुछ काम नहीं किया, एक फेंकू दो फेंकू, दोनों मामू भांजे का मामला। 30 नवंबर को जो फैसला आने वाला है, आवाम का फैसले का दिन है। इसीलिए किसी ने कहा है कि लम्हों ने गलती की, सदियों ने सजा पाई। प्लीज खुदा रा अल्लाह ईश्वर का नाम का वास्ता देता हूँ, आप लोग 30 नवंबर को 30,000 वोटों से जिताइए 30 नवंबर। और याद रखिए पूरे सर्वे रिपोर्ट जो है आ रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हम किसी की जागीरें नहीं है। आज हमारे उलमा मस्जिद के इमाम, मुझे मालूम है वो दिल से दुआ दे रहे कि कांग्रेस आए, लेकिन मजबूरी है कि नहीं भाई, मजबूरी है। मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ, ये हमारे कोई ठेकेदार नहीं है। मैं केलार साहब से कहूंगा, आप थोड़ा भी नर्वस मत होइए। कर्नाटक में जो मुसलमानों का रोल रहा, वो तेलंगाना के मुसलमानों ने फैसला कर लिया है। हम किसी आलिम दीन के बातों में आने वाले हैं, बाबा बहुत हो गया तुम्हारा। कर्नाटक में आपको मालूम है सिद्धारामैया साहब ने बोला कि वेरी गुड मुस्लिम, यहाँ पे फजर की नमाज पढ़ के हमने जो वोट की लाइनों पे कतार लगाई। मैं एक एक मुसलमानों को, यहाँ के माइनोरिटीज को मैं वास्ता देता हूँ कि आप चूक मत कीजिए, इनकी चिकनी चपटी बातों पे मत आइए। अरे मैं तो कहता हूँ कि अगर इनके 5 MP आए ना, 5 MP आए और इंडिया अलायंस में जो पूरा देश एकजुट है, आपको पुरुमीद नजरों से देख रही है, मैं सलाम करता हूं, मैं सलूट करता हूं आप तमाम लोगों को, केलार साहब जैसे लोग आए। अरे मैडम को तो जिताए कांग्रेस में, क्यों गए आप 4-6 महीने के अंदर, जो पार्टी ने आपको जो है एक से लेकर जेड तक दिया, सम्मान दिया। और कांग्रेस में तिगला कृष्ण रेड्डी साहब को एक्सेप्ट नहीं करे, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको दिया, आप लालच में चले गए, उसकी सजा का बदला लीजिए, बदला लीजिए उसका। हमने कांग्रेस के लिए आपको चुना था ना मैडम, मैडम याद रखिए आपकी जमानत बच नहीं पाएगी इंशाल्लाह। ये पूरी कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा हूँ, जनता जनाधन ने दिया था आपको मैंडेट, लेकिन 100 दिन में आप पलटू राम हो गए। याद रखिए ये चलने वाला नहीं है, चोर तो चोर के साथ मिलने ही वाला है, अच्छे लोग कहाँ रहेंगे साफ आपकी सफ में, आपके बीच में। तो याद रखिए 30 नवंबर को गलती मत कीजिए। बहुत बातें आएंगी, आप रैलियां बातें बहुत आएंगे, इनको अल्लाह रसूल ये वो बहुत सुनाएंगे हमारे माइनोरिटीज को, उसकी बातों पे मत आइए, है भी नहीं। तो 3 दिसंबर को गिनती है, 9 दिसंबर को आप जो है मिनिस्टर का हफ लेंगे, आप यहां से निकालिए। मुझे उम्मीद है भाई से, आप ये बोलेंगे ठीक है आप मुझे जिताइए, मैं ऊपर लेवल में, यहां से दिल्ली तक आपकी पहुंच है, वो आपके लिए बड़ा पोस्ट लाएंगे। मैं तो कहता हूं कि केलर साहब के बारे में जब मैं सुना, तो आपको ऊपर वाले का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ इतना हुआ है, तो मैं दिल में मन में सोचता हूँ कि क्या जरूरत है उनको ये सब करने की। अल्लाह का ऊपर का बुलाने का दिया हुआ बहुत कुछ है आपकी हमारे लिए। मैं यही कहूंगा कि 9 दिसंबर को लहर नहीं सुनामी आने वाली है। अन्ना परेशान है आप, बहुत परेशान है आप, मैं आपको वास्ता देता हूँ, आप गलती मत करिए, जम जाइए। सिर्फ जो है 200 घंटे बाकी है,
6000 मिनट है आपके पास, एक एक मिनट बहुत कीमती है। ये लड़ाई हमारे केलार साहब का नहीं है, मेरे भाई मेरी माँ बहने यहाँ सुन रही है, यहाँ से जाके 200 घंटे गिफ्ट कर दीजिए, आपको कभी नहीं भूलेंगे ये। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी माँ बहने जो गोशे पड़ती में वो सुन ले, ऐसा लीडर मैं कई लोगों से सुना, पहली मरतबा मुलाकात होके मुझे बहुत खुशी है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि 200 घंटे अगर आप मुझे इस्तेमाल करना चाहें, आपके लिए मैं कुछ कर सकूं, तो हमारे मस्जिद कमेटी में बोलूंगा कैसर भाई को आपसे मिला के भाई मुझे जो है 200 घंटे दीजिए, आप 10 दिन में साहब के साथ रहना चाहता हूं। तो आपके लिए मुझे अगर डोर टू डोर जाना पड़े, लोगों से कहना पड़े, तो मैं आपके लिए करूंगा। बहुत कम टाइम है, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि बोला कामयाब करे, ये हमारी दुआ है, ये दिल से दुआ है। परवरदिगार अगर हम सच पे है तो मेरी दुआ को मालिक तू सुन ले। हमारे केलार साहब को काफी मेजोरिटी से बहुत विशेष वोट से जो है कामयाब करे। अल्लाह हमारी दुआओं को मालिक सुन ले। उन गरीब मजलूम लोग जो है जो आपके ऊपर एक उम्मीद आस लगाए हुए है, हमारे केलार साहब हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरे, और मुझे यकीन है मालिक परवरदिगार के हमारी उम्मीदों पे वो जरूर खड़ा उतरेंगे। अल्लाह हमारी पार्टी को कांग्रेस को कामयाब करे। 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान में अमन था मेरे भाई, शांति था। ये बीजेपी की बी टीम है, ये आस्तीन के साफ है। अगर इनकी 4 एमपी रहा ना तो ये मोदी को सपोर्ट करेंगे, इंडिया गठबंधन को नहीं करेंगे। लिख लो मेरी बात, ये 370 हो या जो है मुस्लिम बिल खवातीन का हो या 370 का हो या राज्यसभा में जितने भी बिल आए, हमारे केलर साहब को भी मालूम है पूरे जो है अपोजिट सपोर्ट किए। ऐसे दुश्मनों का सफाया कीजिए। हाँ, जीएसटी का भी और आर्मर का जितने भी बिल आए वो तमाम उन्होंने सपोर्ट किया, एनआरसी वगैरह का भी, नोटबंदी को भी, तमाम चीजें आप देख सकते हैं उनको, तो ये चलने वाला नहीं। मैं आप तमाम मेरे भाइयों से मैं कहूंगा, भाई वास्ता है अल्लाह का, उसके रसूल का, आप दिल से साथ दीजिए, वास्ता दूंगा मैं मस्जिदों के मस्जिदों तुम जाऊंगा, मैं चीख के चिल्ला के कहूंगा कि वक्त का तकाजा है, सही और गलत को पहचानिए मेरे भाई, सच्चों का साथ दीजिए, हक परस्तों का साथ दीजिए। 2004 से लेके 2014 तक अमन था, शांति थी। का राहुल साहब जो है 3500 किलोमीटर निकले, क्या जरूरत है 4000 किलोमीटर, जब कन्याकुमारी से निकले तो जो है 45 डिग्री सेल्सियस था, गर्मी का ये आलम था 3 सितंबर को, जो कश्मीर में गए तो वहां सर्दी का ये आलम था कि 0 डिग्री माइनस में था पूरा हिंदुस्तान। 100 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आया कि कर्नाटक में फुल बहुमत से जो है आप जो है सेंचुरी मारे और 137 एमएलए आए, और उसका परिणाम यह है कि 5 राज्यों में तो तकरीबन हो चुका है वेटिंग, अब यहाँ बाकी है। यहाँ है, आप लोगों का वास्ता देता हूँ, कसम देता हूँ, 10 साल दिए इनको, इनकी ड्रामाबाजी बहुत देखे हम, अब चलने वाला नहीं है। अब जो है 30 नवंबर को भाई को 30,000 वोटों से जिताना है। अल्लाह हमारी दुआओं को, ईश्वर हमारी दुआ को कबूल करे। आमीन, थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।
DJ.